फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज तो मेरे को बहुत यूं लग रहा है कि मजे आ रहे हैं या मैं परेशान हो रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे चीन के बारे में बात करने की इच्छा कर रही है, जहां एक आदमी अपनी सत्ता बचाने के लिए लाखों लोगों को मरवा देता है, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब कर देता है और लोग सड़कों पर निकलते हैं तो तय मतलब पुलिस से ठुकवाता है, गोलियां चलवाता है, वो फिर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बड़ा आदमी बन के रहता है। हाँ साहब, जिनपिंग साहब, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने जो 5 साल के लिए बने थे 10 साल, और अब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मैं ही रहूंगा, इसके चक्कर में जो पूरा संसार लॉकडाउन से मुक्त हो गया, वो आज भी आरटीपीसीआर टेस्ट जबरदस्ती कर करके बीमारी के मरीज निकालते हैं। बोले मेरे 40,000 मरीज मिल गए लॉकडाउन। सही मायने में पूरे संसार में यही हुआ था, मतलब बीमारी के जैसे ही 2-4 मरीज मिले लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन का मतलब पता क्या होता है? लॉकडाउन का मतलब होता है कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब होता है नागरिकों के अधिकार खत्म। जो सरकार चाहेगी वही होएगा, जो पुलिस चाहेगी वही होएगा, नहीं तो गोली खाओ डंडे खाओ। अब बाकी संसार के तमाम देशों ने छोड़ दिया क्योंकि उनको उन्नति करनी है, उनको अपनी सत्ता नहीं संभालने जाता, लेकिन वो जिनपिंग साहब अड़े हुए क्योंकि बाकी के कम्युनिस्ट पुराने राष्ट्रपति सारे के सारे उनके खिलाफ कि ऐसी तानाशाही नहीं चल सकती। आप केवल ताइवान के ऊपर हमला करने की बात कर करके चीन के कितने साल तक राष्ट्रपति रहोगे? चीन की जनता को भी जवाब देना है। वहां रोजगार कम हो रहे हैं, वहां फैक्ट्रियों के अंदर लोगों की तनख्वाह नहीं मिल रही 4-4, 6-6 महीने की। अभी आईफोन के ऊपर हमला हुआ, सारी की सारी फैक्ट्री को चलाने जैसी बात हो गई, लेकिन अब आप तानाशाह की सरकार है ना, उन्होंने ठोक दिया जनता को, दे देना दे लपड़ घोंसे गोलियां सब। अब जनता भूखे मर रही है, प्रशासन के लिए थोड़ी काम करेगी, पेट में भूख लगेगी तो जाके मालिक से तनख्वाह मांगेगी, पैसे मांगेगी, नहीं देगा तो लपड़ मारेगी। अब आप बोले सरकार, हम सरकार हैं, मत मांगो रोटी, बस तुम दे दो ना रोटी। अब वो वहां पर क्या है कि इस बीमारी के नाम से फिर वहां जहां जहां पहले जनता भड़की थी वहां वहां नए बीमारी के मरीज मिल गए, वहां फिर लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन कहने के नाम पे लेकिन वहां जिनपिंग साहब की सत्ता लगातार चलती रहे, जो भी विरोध करेंगे वहां लॉकडाउन लगा देंगे, जनता के अधिकार खत्म, पुलिस का शासन चालू। आपको पता है 2 साल पहले देश के ना चीन के सबसे बड़े जो पैसे वाले थे अलीबाबा के मालिक जैक मा, वो चीन छोड़ के चले गए क्योंकि उनके ऊपर भी ठुकाई चालू हो गई। उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने सिर्फ ये कहा था चीन के अंदर बैंक है बिना कोलेट्रोल के, मतलब कर्जा देते नहीं है तो नए विचार नहीं आएंगे, नई कंपनियां नहीं बनेगी, चीन के पक्ष में ही तो कहा था, लेकिन सरकार ने उसको ले लिया दिल से कि सरकारी बैंकों का विरोध किया है तो भाई जैक मा तो तेरे ना घोड़ी नीचे से निकालेंगे। मतलब क्या हुआ, उनको घर में नजरबंद करने की तैयारी। अब वो तो अच्छा भला वो समझता था पैसे वाले इंसान है जैक मा, तो वो वहां से छोड़ के जापान चले गए, वहां अपना कुक भी साथ ले गए, अपनी सिक्योरिटी भी साथ ले गए, और अब वहां चैन से बिल्कुल बिना किसी तामझाम के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो जिस भी देश में नागरिकों के अधिकारों को दबा के कोई भी सत्ता ऊपर आना चाहेगी तो नहीं आएगी। देखना, जो महाशक्ति बनना चाहता था चीन, अपने इस तानाशाही और दबाने की जो क्षमता और ये लगातार लॉकडाउन ये जो नीति है इसकी वजह से कंपनियां भी भाग रही है, फैक्ट्रियां भी जा रही है, देश के उद्योगपति भी जा रहे हैं, तो बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां भी इंडिया या दक्षिण अफ्रीका दक्षिण कोरिया वहां जा रही है। मतलब चीन केवल एक इंसान की महत्वाकांक्षाओं के पीछे धराशायी हो जाएगा, वो है जिनपिंग साहब। वो लगातार राष्ट्रपति रहे, इसके अलावा किसी ने भी कुछ विरोध किया, चाहे उद्योगपति है चाहे कंपनी है चाहे जनता है, सबकी ठुकाई तय है, निर्णय आपके हाथ में। ये मेरा वीडियो किसी और को भेज सको तो भेज देना। जय हिंद, वंदे मातरम।